तो अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अपना काइनेमेटिक्स का टॉपिक ओवर हो चुका है। अभी तक हमने कहीं भी मोशन के ड्यूरिंग कॉज की बात नहीं की थी, हमने सिर्फ मोशन को स्टडी किया। मोशन की वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स की स्टडी कर ली, 1D मोशन की स्टडी की, 2D मोशन की स्टडी की, ये भी सीखा कि एक्स वाई मोशन को सेपरेटली स्टडी करते हैं। कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं हुई कि इस मोशन का कॉज क्या था या यहाँ ऐसी मोशन क्यों हुई, है ना। कहीं भी इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो काइनेमेटिक्स था, वहां कॉज के बारे में डिस्कस नहीं करते। कॉज के बारे में डिस्कस यहाँ से करेंगे, यहाँ से हम डायनेमिक्स स्टडी करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ से अपन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, फिर एनर्जी की बात आएगी। मतलब यहाँ अपन इस चीज को की चर्चा करेंगे कि इस टाइप की मोशन क्यों हो रही, व्हाट इज द कॉज, है ना, और क्या क्या चीजें हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बहुत से तरह की बातें होंगी यहाँ से आगे। तो काइनेमेटिक्स की चर्चा हो चुकी है, अब आगे जो हम सीखेंगे वो है डायनेमिक्स के बारे में। तो उसमें अपना पहला चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और साथ में इसी के एक छोटा सा पार्ट है, वो है फ्रिक्शन। एक्चुअली तो पूरा एक ही यूनिट है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग एक सेपरेट चैप्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं सारे बुक्स में, है ना। तो अपन आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसके बारे में बहुत से साइंटिस्ट मोशन के कॉज को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में स्टडी करते थे, है ना। तो बहुत पहले की बात है जब ऐसा सोचते थे कि अगर किसी चीज को कंटिन्यूअसली मूव करवाना है, जैसे आपके पास एक ब्लॉक हो और आपको इसे कंटिन्यूअसली मूव करवाना है, मान लो वी स्पीड से, तो हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि जब तक हम इस ब्लॉक को धक्का देते हैं तब तक ये ब्लॉक मूव करता है, और जैसे ही हम ब्लॉक को धक्का देना बंद कर देते हैं ब्लॉक रुक जाता है। तो जो पुराने फिलोसोफर थे उन्होंने इस डेली लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी थ्योरी दी थी कि कोई भी चीज तब तक चलती रहती है जब तक उस पर फोर्स लगता है। उन्होंने कहा था कि बॉडी कंटिन्यूज टू बी मोशन अंटिल देयर इज अ कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग, है ना। ऐसा पहले मानते थे, है ना, लेकिन ये गलत था। लेकिन ये गलत था, मतलब लोग पहले ऐसा मानते थे कि किसी भी चीज को अगर हमें चलाते रहना है तो चलाते रहने के लिए हमें फोर्स चाहिए, है ना। ये स्टेटमेंट पहले जो फिलॉसफी थी, जब साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी तब ये इस चीज को माना जाता था। फिर एक बहुत ही महान वैज्ञानिक आए जिनको गैलीलियो कहते हैं, है ना, वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने फिजिक्स की, स्पेशली ऐसे तो कहूँ तो साइंस की, लेकिन फिजिक्स की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। गैलीलियो के पहले जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे ना, या गैलीलियो के पहले की जो साइंस थी वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी, कि लोग कहते थे कि ठीक है हाँ ऐसा आसपास देख रहे हैं तो ऐसा होता होगा। गैलीलियो ने कहा नहीं, सिर्फ आपको दिख रहा है इसलिए ऐसा नहीं कह सकते, आप तो एक्सपेरिमेंट करो, है ना, एक्सपेरिमेंट करो, प्रूफ करो। अगर आप एक्सपेरिमेंटली इस चीज की किसी चीज को प्रूफ कर पा रहे हो तो वो लॉ एस्टेब्लिश्ड है, और अगर आप एक्सपेरिमेंटली किसी चीज को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो आपका एक्सपेरिमेंट, तो वो लॉ जो आप कह रहे हो उसके बारे में आप श्योरली नहीं कह सकते। इन्होंने बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कवरी की, बहुत सारे नए लॉज इन्होंने दिए, और उस टाइम पे काफी डिफिकल्ट था क्योंकि ये यूरोपियन साइंटिस्ट थे, और यूरोप में आप ऐसा सोच सकते हो कि उस टाइम जो कैथोलिक चर्च था उसका काफी डोमिनेशन था, है ना। जैसे कि पहले लोग मानते थे कि अर्थ रुकी हुई है और सन उसके चारों तरफ घूमती है, क्योंकि हमें यही दिखता था कि हम सुबह उठते हैं तो सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में सनसेट होता है। तो लोगों ने ऐसा माना था कि अर्थ जो है वो रुकी हुई है, अर्थ जो है वो, तो ऐसा लोग मानते थे कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और सब कुछ इसके चारों तरफ घूमती है, अर्थ रुकी हुई है, सूर्य इसके चारों तरफ घूम रहा है। गैलीलियो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कहा इसका उल्टा है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है ना? ये हालत हो गई थी कि मतलब उन्हें फांसी दी जाने वाली थी, है ना, इस बात के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि वो कह रहे हैं कि अर्थ मूव कर रहा है, सन रुका हुआ है। तो उस टाइम के जो वो कैथोलिक प्रीस्ट्स थे उनके एस्टेब्लिशमेंट पे क्वेश्चन था ये, तो मतलब उनकी जान जाने वाली थी। फिर उन्होंने अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए टेलीस्कोप डिजाइन किया था, और टेलीस्कोप से उनको दिखाया था कि देखो मैं सच कह रहा हूँ, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी चीजें एस्टेब्लिश की थी। तो बहुत सारे ऐसे फिजिक्स के जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, जो लॉ नहीं थे ऐसे थ्योरी थी, ऐसा लोग मानते थे कि ऐसा है, तो उसको उन्होंने चैलेंज किया था और उसको गलत प्रूव किया। उनमें से एक ये बात भी थी कि लोग पहले ऐसा मानते थे, जो फिलोसफर्स थे, कि कोई बॉडी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है तो हमें उसके लिए फोर्स चाहिए। गैलीलियो ने कहा गलत है,
उसने कहा मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं है। तो उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था, मैं बस ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत काम का नहीं है। उन्होंने ऐसी एक सरफेस डिजाइन करी, बिल्कुल स्मूथ सरफेस थी है, और यहां से एक बॉल रिलीज करी, स्मूथ सरफेस थी, यहां से उन्होंने एक बॉल रिलीज करी। तो उन्होंने देखा कि स्मूथ सरफेस थी तो बॉल वापस इसी हाइट तक आई, जिस हाइट से बॉल को रिलीज किया था बॉल वापस उसी हाइट तक आती। फिर उन्होंने क्या किया ना, सरफेस के इस पार्ट को थोड़ा सा ऑब्लिक कर दिया, तो उन्होंने देखा कि बॉल फिर से इसी हाइट तक आई, जिस हाइट से रिलीज कर रहे थे यहां से उसी हाइट तक आ रही थी। इन्होंने इसको थोड़ा सा और ऑब्लिक कर दिया तो बॉल फिर से इसी हाइट तक आई। आप सोच के देखो कि जैसे जैसे मैं इसे 1 से 2, 2 से 3 ऑब्लिक करता जा रहा हूं, बॉल उसी हाइट तक आने की टेंडेंसी रख रही है, सरफेस स्मूथ है, तो देखो इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। पहले इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, फिर इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो गैलीलियो ने कहा कि बॉल की टेंडेंसी क्या है, कि वो उसी हाइट तक आ जाए। तो अगर मैं इसे सीधा कर दूं, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, तो ये बॉल कभी इस हाइट तक आ ही नहीं पाएगी, तो ये बॉल हमेशा आगे जाती रहेगी। बॉल हमेशा जो है वो आगे जाती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि उस हाइट तक कभी नहीं आ जाएगी, और ये इसी तरह इसी स्पीड से जाती रहेगी बिना किसी फोर्स के, स्मूथ है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो ये दिख रहा है ना कि हमें कांस्टेंट फोर्स चाहिए, वो एक्चुअली सरफेस का फ्रिक्शन है। उस टाइम पे एक्स्ट्रा फोर्स, उन्होंने बताया कि सरफेस का एक फोर्स है जो इसे रोक रहा होता है। मैंने सरफेस को स्मूथ कर दिया तो इस बॉल को कोई नहीं रोक रहा, ये बॉल ऐसे ही जाती रहेगी। ठीक, तो गैलीलियो ने कहा कि किसी बॉडी को कॉन्स्टेंटली मूव कराने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। फोर्स कब चाहिए, तो उसको उन्होंने अपने लॉ ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में दिया। लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने दिया, लॉ ऑफ inertia, और which is almost equivalent to Newton's first law of motion, है ना? तो law of inertia के अंदर गैलीलियो ने कहा कि force is required to change the state of inertia of a body, एक बॉडी के स्टेट ऑफ इनर्शिया में अगर चेंज करना है तो फोर्स चाहिए, चलाने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। अब लोगों ने कहा ये इनर्शिया क्या होता है, तो यहां समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया का आप ऐसा मतलब समझो कि आलस जैसा है, है ना, कि कोई चीज जैसे है ना वैसे ही रहना चाहती। मतलब अगर कोई चीज जमीन पे रखी हुई है तो ये चाहेगी ये रखी रहे। कोई चीज अगर इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रही है तो ये चाहेगी कि v वेलोसिटी से जाती रहे। कोई चीज अगर इस तरफ जा रही है, मान लो ऊपर की तरफ, तो ये चाहेगी कि कुछ नहीं है तो ये इस तरफ ही जाती रहे, इसमें ऐसी कोई चेंज ना है। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब समझो कि कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है। इसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई चीज अगर चल रही है तो वो चलती रहना चाहेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये पिछली सेकेंड में ही आ जाएगा अगर मैं वेलोसिटी के टर्म में बात करूं, फिर भी इसे तीन पार्ट्स में कई बार स्टडी कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब कोई चीज अगर रुकी हुई है तो वो चाहती है कि रुकी रहे। कोई चीज अगर किसी वेलोसिटी से चल रही है चाहती है कि उसी वेलोसिटी से चलती रहे। कोई चीज अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो चाहती है कि उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाती रहे। अगर हम इनमें से कुछ चेंज करना चाहते हैं, मतलब हम अगर चाहें कि एक रुकी हुई बॉडी को चलाएं, तो हम उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट में चेंज करते हैं। एक फुटबॉल जमीन पर रखा हुआ है ना, आप चाहते हो कि अभी फुटबॉल चले तो आपको उसे किक करना पड़ेगा, मतलब आपने फोर्स लगाया। एक फुटबॉल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, आपको उसे रोकना है। मान लो एक फुटबॉल कहीं मैंने किक किया, या एक मैच चल रहा है, मैंने एक बॉल को किक किया, बॉल को बैट से हिट किया फोर के लिए बाउंड्री की तरफ, तो बॉल जाती रहेगी बाउंड्री की तरफ, है ना। मानना है कि बाउंड्री बिल्कुल स्मूथ है, घास पास ज्यादा नहीं है, तो बॉल जाती रहेगी बाउंड्री की तरफ। वो तब रुकेगी जब कोई फील्डर उसमें हाथ लगाएगा। ऐसे ही मान लो कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और बॉल, ये बैट्समैन बैटिंग कर रहा है यहाँ पे ऐसा,
बॉल उसकी तरफ आई है ना, तो बॉल की मोशन इस तरफ थी और बैट्समैन इसको हिट करना चाहता है इधर की तरफ, तो उसे अपने बैट से बॉल पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ उसने क्या चेंज किया, डायरेक्शन। तो अगर आपको इनमें से कुछ चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब आपको किसी रुकी हुई चीज को चलाना है तो फोर्स चलना चाहिए, फोर्स चाहिए। किसी चलती चीज को रोकना है या उसकी स्पीड कम करनी है तो फोर्स चाहिए। किसी चीज की डायरेक्शन चेंज करनी है, कोई बॉडी चल रही है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी या उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है ऐसा कहें तो फोर्स चाहिए। इनमें से कुछ भी नहीं करना है तो फोर्स नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उस पर रुकी रहेगी, कोई फोर्स नहीं है। अगर एक चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए, वो चलती रहेगी। अगर एक ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो है, वो जैसे था वैसे ही जाता रहेगा। अगर कोई चीज, और कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने कह दिया मतलब मैंने सेकेंड और थर्ड दोनों कह दी, मैंने स्पीड भी कह दी और मैंने डायरेक्शन भी कह दी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। अगर हमें इनर्शिया में चेंज करना है तो हमें फोर्स चाहिए, अदरवाइज हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए। इसी को न्यूटन ने अपने टर्म्स में कहा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फिर यहां से एक चीज और आपके दिमाग में आती है कि भाई फोर्स, फोर्स की बात हो, ये फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स ना। तो आप बचपन में डेफिनेशन सीखते हो, फोर्स इज अ पुश और पुल, फोर्स इज अ पुश और पुल, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये डेफिनेशन भी चलेगी। मैं एक डेफिनेशन और लिख रहा हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कि दुनिया में कोई भी दो चीज अगर इंटरेक्ट करती है, इस पूरी दुनिया में अगर कोई भी दो चीज इंटरेक्ट करती है तो इसका मतलब है वो उस पे फोर्स लगा रही है। इट इज द मीन ऑफ इंटरेक्शन या इट इज द मोड ऑफ इंटरेक्शन, मोड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, इट इज द मोड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। कोई भी दो पार्टिकल जो है वो फोर्स के थ्रू आपस में इंटरेक्ट करता है। मतलब मैं अगर कहूँ कि क्या ये दो पार्टिकल फिजिक्स के टर्म्स में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या इनके बीच कोई फोर्स लगा है ना। फोर्स की एसआई यूनिट ये होती है न्यूटन, न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया। और फोर्स की सीजीएस यूनिट ये होता है डाइन, DYNE है ना। एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको यूनिट डायमेंशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी बस जान लो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। और अपन जनरली एसआई यूनिट्स में ही बात करते हैं, तो ये फोर्स की बेसिक डेफिनेशन है। और ये अपना गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में था। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जहां हम रियल लाइफ में देखते हैं इनर्शिया, जैसे कि आप सबने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा जब हम एक ग्लास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रखते हैं, ये ग्लास है मान लीजिए, और पोस्ट कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखते हैं और पोस्ट कार्ड को बहुत तेजी से खींच लेते हैं तो कॉइन ग्लास के अंदर आ जाता है ना। क्यों आता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये रुका हुआ था ये रुका ही रहेगा और ये नीचे आ जाएगा जैसे ही पोस्ट कार्ड सामने से हट गया। आप एक और चीज सोचो, मान लो कोई पेड़ हो ना, आम का किसी भी चीज का हो, आप इसे बहुत तेजी से शेक करते हो तो ये जिसके ऊपर जो फ्रूट होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल है ना, कि दिस दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप बस में बैठे हो, बस चल रही है, अचानक से ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ झुकते हो। क्यों झुकते हो, बिकॉज यू वेर इन इनर्शिया ऑफ मोशन, यू वेर इन इनर्शिया ऑफ मोशन। आप बस के साथ साथ आगे जा रहे थे तो आपकी टेंडेंसी आगे जाने की थी। जैसे ही बस रुकी तो आप जिस सीट पे बैठे वो सीट रुक गई, बट आपकी टेंडेंसी आगे जाने की है तो आपकी जो अपर बॉडी है वो आगे झुकती है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब बस कहीं टर्न ले रही होती है तो आपको फील होता है कि आप बाहर जा रहे हो, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपकी टेंडेंसी सीधा जाने की थी, बस ने टर्न ले लिया लेफ्ट की तरफ तो आप अभी भी सीधा जाना चाहते हो तो आप बाहर फेंकने लगते हो, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
है ना, तो ये सब रियल लाइफ में एग्जाम्पल है इनर्शिया के, है ना। तो ये फोर्स की बेसिक डेफिनेशन हो गई, गैलीलियो का हाइपोथेसिस आ गया, ये सब ऐसी कहानियां थी। अपने को जो आगे सीखना है वो न्यूटन के लॉज है, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके पहले मैं फोर्स का एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, ध्यान से सुनते चलो, कहानी है आज। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के क्लासिफिकेशन, है ना। तो पहला पहला आता है नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग, है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस अपने को जो बताऊंगा वो ध्यान रखना। दुनिया में जितने भी फोर्स होते हैं उसको ब्रॉडली चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक चौथा बताऊंगा, वीक फोर्स। दुनिया में जितने भी फोर्स हैं वो इसी में से किसी ना किसी कैटेगरी में आएंगे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फोर्स। अपन क्या सीख रहे हैं, फोर्सेस का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर, है ना। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, जो बता रहा हूँ उतना सुनना है, ये अपने कोर्स में है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इट इज ड्यू टू मास, इट इज ड्यू टू मास। अगर दुनिया के किसी भी दो पार्टिकल में मास है, किसी भी दो पार्टिकल में, तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इट इज ड्यू टू मास। दुनिया में दो चीजें हैं, एक आपके पास एक ब्लॉक अर्थ पे है और आपके पास एक ब्लॉक मार्स पे रखा हुआ है, क्या उनके बीच फोर्स लगेगा? आंसर है यस, है ना, क्योंकि दोनों के पास मास है, दे विल एग्जर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। मे बी दिस फोर्स इज नेग्लिजिबल, वैल्यू बहुत ही कम है, बट होगा। तो दुनिया में किसी भी दो चीज के बीच अगर मास है तो उनके बीच फोर्स लगेगा, इट इज ड्यू टू मास। ये बाय नेचर अट्रैक्टिव होता है हमेशा, ये बाय नेचर अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब बहुत दूर तक लगता है। आप सोच के देखो ना, ये जो भी स्टार, गैलेक्सी, सैटेलाइट, ये सब जो घूम रहे होते हैं, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये बहुत ही लॉन्ग रेंज का फोर्स है, यूनिवर्स में यहाँ से वहां लग रहा होता है ना, बहुत दूर दूर तक, स्टार के लेवल पे, गैलेक्सीज के अंदर, तो कितनी लार्ज डिस्टेंस। अपन तो एक छोटे से अर्थ पे बैठे हुए हैं, है ना, और अपन यहीं खुश हैं, बट ये पूरी दुनिया को ये फोर्स चला रहा है ना। तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, अपना अलग से चैप्टर है ये, अभी इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्या होता है, कितना होता है, पूरा चैप्टर है भाई, वहां सीखेंगे डिटेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज ड्यू टू चार्ज, इट इज ड्यू टू चार्ज। तो जिन बॉडीज में चार्ज होता है उन बॉडीज में ये फोर्स निकल के आता है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये भी ठीक ठाक डिस्टेंस तक लगता है, लेकिन एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ दूर के बाद ये जीरो होने लगता है। जैसे डिस्टेंस अगर मीटर्स या कुछ किलोमीटर्स के बाद हो जाएगी तो ये फोर्स कुछ टाइम के बाद नेग्लेक्ट होने लगता है। ऊपर वाले के बारे में एक बात बता रहा हूं, इट इज वेरी वीक। पहला वाला फोर्स जो है ये बहुत ही वीक होता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। जो इसकी रेंज होती है उसमें ये स्ट्रॉन्ग फोर्स, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अपना 12th का चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे। फिर आता है न्यूक्लियर फोर्स, है ना, इसके बारे में ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, 12th में न्यूक्लियस का चैप्टर है, वहां सीखोगे। इट वर्क्स इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। और अभी इस पे रिसर्च मत करने लग जाना, टाइम वेस्ट मत करना, बहुत ही लिमिटेड स्टडी है अपने लिए और वो 12th में है। बस अभी अपने को नाम जानना है, इसलिए मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, इसके बारे में खोल के ढूंढ के कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने को अपने पास बहुत कुछ है फिजिक्स में। जब ये पढ़ने की बात आएगी वहां पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट वर्क्स इनसाइड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है, मतलब प्रोटोन प्रोटोन के बीच भी लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है, प्रोटोन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है,
इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए, है ना। सोच के देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटोन प्रोटोन वो आपस में रिपेल करेंगे, कौन से फोर्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, उसको बैलेंस कर रहा होगा कोई, एंड दैट बैलेंसिंग फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, जनरली स्टेबल न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव होता है, बहुत कम डिस्टेंस हो जाए तो ये रिपल्सिव भी होने लगता है, अभी रिसर्च नहीं कर रहे इसके बारे में, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और अगला है वीक फोर्स, इसके बारे में तो अपने को कुछ भी नहीं जानना, अपन ट्वेल्थ में भी नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में ये बता रहा हूं, इट कम्स इन रोल ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके, जब वो न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डीके हो रहा होता है तो न्यूक्लियॉन्स के अंदर ये फोर्स रोल में आता है और ये वीक है, ये काफी वीक फोर्स है, ये नॉर्मली अपने काम ही नहीं आता, अपने काम के सिर्फ ये दो फोर्सेस जो अपन अपनी पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे वो मोस्टली इसी पे कंसंट्रेटेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। प्रॉपर रेंज में इनकी जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ध्यान से देखना, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ मतलब इनकी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर जो होगा, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, इट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EM लिख रहा हूं उसको, इट इज स्ट्रॉन्गर देन वीक फोर्स, और दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक फोर्स के नाम पे मत जाना, इसका नाम वीक फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर, बट ये सबसे वीक फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, और ये अपनी अपनी रेंज में। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, 10^-15 मीटर की रेंज में ही काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता है ना। अपने लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे वीक वीक फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। और सोच के देखिए दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स यही पूरी दुनिया चला रहा है, मतलब इतने सारे प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार, गैलेक्सी, सबकी मोशन को यही गवर्न करता है दुनिया का सबसे वीक फोर्स, है ना। ठीक, भगवान की इच्छा ही चलते रहते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ तक, है ना। एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे और लिख लेना, इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल होता है, कि जिसका मास ज्यादा होता है उसकी इनर्शिया ज्यादा होती है, जो मोटा आदमी है वो ज्यादा आलसी होता है ना, मतलब कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको रुका हुआ है, उसको चलाना है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, लाइट ऑब्जेक्ट है तो उसको चलाने के लिए कम फोर्स लगेगा, आपके सामने बहुत ही बड़ा पत्थर आ रहा हो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, और एक छोटी सी बॉल आ रही हो उसको रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए, आप साइकिल चला रहे हो साइकिल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कम फोर्स चाहिए, ट्रक की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल नहीं कह रहा मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसकी यूनिट केजी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये प्रॉपर्टी है। जैसे आपके अंदर जो आलस है क्या उसको यूनिट देके मेजर किया सकता है, नहीं, लेकिन कहते हैं ना ये ज्यादा आलसी है ये कम आलसी है ना, वैसे ही कहते हैं कि इसका इनर्शिया ज्यादा है इसका इनर्शिया कम है, और वो मास से डिसाइड करता है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ जान लेना है कि इनके स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, दैट्स इट। ठीक है, आई होप सबने ये लिख लिया हो। तो ये था अपना फोर्सेस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि नेचर के बेसिस पे जो फोर्स किस नेचर का होगा उसके बेसिस पे मैं दुनिया के हर फोर्स को चार कैटेगरी में बांट सकता हूं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बेसिस, दुनिया में जो फोर्सेस होते हैं ना जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट के थ्रू ही लगे, जैसे हमारे हाथ में एक कोई बॉडी हो उसे हम रिलीज करते हैं तो कहते हैं अर्थ उसे खींचती है, या अर्थ मून पे जो फोर्स लगाती है, सन अर्थ पे जो फोर्स लगाता है, इनमें कोई कांटेक्ट है क्या, नहीं है ना, और अपन ब्लॉक को धक्का देते हैं तो यहाँ कॉन्टैक्ट है। तो बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट फोर्सेस दो टाइप के हो सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स,
इसको कई बार फील्ड फोर्सेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताओ? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब जो बिना कॉन्टेक्ट के लगते हैं, एंड एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब जो फोर्स बिना कॉन्टेक्ट के एक्ट करते हैं। तो ये लगते कैसे हैं? तो कहते हैं ये फील्ड से लगते हैं। फील्ड क्या होती है आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। अपने कोर्स में तीन टाइप के नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हैं या तीन टाइप की फील्ड्स हैं। एक 11th में है, दो 12th में है। ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे, ये फोर्स बिना कॉन्टेक्ट के लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ये फोर्स बिना कॉन्टेक्ट के लगता है। और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ये भी बिना कॉन्टेक्ट के लगता है। तो ये वो फोर्सेस हैं जो फील्ड के थ्रू लगते हैं बिना कॉन्टेक्ट के। तीन टाइप की फील्ड है जो अपने सिलेबस में है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एक इसी साल पढ़ेंगे काफी आगे चल के, और दो तो 12th में पढ़ेंगे। कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब जो कॉन्टेक्ट के थ्रू लगेगा। मेनली अपने कोर्स में जो कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं वो तीन टाइप के हैं, या तीन है कहूँ तो। नॉर्मल रिएक्शन, अपने कोर्स में जो कॉन्टेक्ट फोर्स हैं वो तीन कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और फ्रिक्शन। अपने कोर्स में जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो तीन टाइप के कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन। कॉन्टेक्ट का मतलब समझते हो? दो सरफेस आपस में टच होनी चाहिए। कॉन्टेक्ट का मतलब यही होता है, हम किसी चीज को छूते हैं तो कॉन्टेक्ट में माना जाता है। दो सरफेस के बीच कॉन्टेक्ट मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेक्ट? इंटरेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेस का आपस में इंटरेक्शन। तो बेटा दो सरफेस का आपस में जो इंटरेक्शन होगा ना, जरा सोच के देखो, या तो सरफेस धक्का देगी एक दूसरे को, या तो सरफेस पे दूसरे को खींच सकते हैं ना, ऐसा हो कि दो सरफेस एक दूसरे को खींच, जैसे रॉड को खींचते हैं तो रॉड के अंदर कोई एक सरफेस होगा जहां को खींच रहा होगा, या वो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगी। तीन चीजें हो सकती हैं किसी भी कॉन्टेक्ट पे, या तो वहां पे चीजें धक्का दे रही होंगी, या तो वहां पे चीजें खींच रही होंगी, या तो वहां पे स्लाइडिंग हो रही होगी दोनों सरफेस। जैसे मान लो मैं एक रस्सी को दोनों सिरे से पकड़ के खींचू, मैं क्या करूं, एक रस्सी को दोनों सिरे से पकड़ के खींचू, तो सोचो रस्सी के बीच में एक पॉइंट लूं मैं, रस्सी के बिल्कुल बीच में कहीं भी, तो आप कहोगे वहां पे ना खींच रहा होगा, तो कांटेक्ट है वहां पे, बट वहां पे खींच रहा है तो टेंशन है ना। मैं एक दीवार को धक्का दूं तो आप कहोगे मेरे हाथ की सरफेस और दीवार की सरफेस एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो वहां नॉर्मल रिएक्शन लगता है। और अगर मैं दीवार की सरफेस पे हाथ को घिसूं तो कहते हैं वहां फ्रिक्शन लगता है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये किसी कॉन्टेक्ट पे इट इज अ पुश फोर्स। ये कैसा फोर्स है? धक्का देने वाला। टेंशन इट इज अ पुल फोर्स। ये सब अपन अलग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअली। नॉर्मल टेंशन रिएक्शन इट इज अ पुल फोर्स, ये खींचने वाला फोर्स है। एंड फ्रिक्शन इट इज अ शियर फोर्स। ये कैसा है? शियर फोर्स और रबिंग फोर्स। ये पैरेलल टू सरफेस लगता है। कैसा लगता है? पैरेलल टू सरफेस। तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस अपने कोर्स में तीन टाइप के अपन सीखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और फ्रिक्शन। अब मैं बहुत ही शानदार बात बता रहा हूं जो याद रखनी है, बुद्धि नहीं लगानी है। ऑल कॉन्टेक्ट फोर्सेस, दुनिया में जो भी कॉन्टेक्ट फोर्स है, और यहां तो मैंने तीन लिख दिए जो अपने कोर्स में है, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय नेचर। क्योंकि बाय नेचर फोर्स इसी चार टाइप का हो सकता है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो ये जो है ना नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल तो नहीं है, न्यूक्लियर भी नहीं है, वीक फोर्स भी नहीं है, तो बचा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऐसे रफ आइडिया दू तो क्यों लगता है कि जब कोई सरफेस एक दूसरे को धक्का देता है ना, तो होता क्या है कि सरफेस को जब धक्का देने की बात आती है तो मेरा हाथ की सरफेस और दीवार की सरफेस, इनके जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं बहुत ही पास पास आ जाते हैं, तो उनके बीच वो एटॉमिक लेवल पे ना रिपल्शन का फोर्स लगता है ना। तो वो बिल्कुल जैसे फ्रिक्शन के लिए कोई सरफेस घिस रहे, फ्रिक्शन में सीखेंगे भी ये चीज, तो फ्रिक्शन में जब दो सरफेस को आपस में कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो उनके आपस में बॉन्ड बन जाते हैं और वो बॉन्ड उनको घिसने से रोकते हैं, है ना। तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो ये एटॉमिक लेवल पे उनके बीच के फोर्सेस से आता है। अपने को नहीं जानना, अपने को तो सिर्फ ये सोचना है
कि नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन क्या ये नेचर में ग्रेविटेशनल है, तो नहीं है ना। क्या ये न्यूक्लियर है, तो नहीं। क्या ये वीक फोर्स है, नहीं है। तो बचा कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस स्टेटमेंट को याद रखना है, ऑल कॉन्टेक्ट फोर्सेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय नेचर। लिखिए फटाफट इस स्लाइड को, जल्दी लिखिए। इसलिए अगला क्लासिफिकेशन है थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम, सिस्टम के बेसिस। अब ये सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम क्या है अपने फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी इसकी अहमियत समझ नहीं आएगी। जब दो चार लेक्चर आगे बढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ में, मैकेनिक्स में, तो ये सिस्टम मतलब बहुत ही शानदार चीज है। तो सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज विच आर कंसिडर्ड टुगेदर फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। बहुत शानदार चीज है कि जिनको साथ मान लेते हैं वो सिस्टम कहलाते हैं, जिनको साथ मान लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम। और कौन मानता है, या तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है या आप खुद से मान लेते हो कि आप जिन चीजों को साथ मान लोगे वो सिस्टम है। जैसे मान लो मैं ऐसे तीन ब्लॉक रख रहा हूं ना, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी है। तीन ब्लॉक्स को मैं ऐसा रख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि आप सिस्टम क्या मानोगे, तो कुछ भी मान सकते हैं मेरे मन पे। मैंने कहा ना अपने मन पे भी सिस्टम मानना, तीन ब्लॉक जमीन पे रखे हुए हैं, मैं चाहूं तो बी और सी को मान लो सिस्टम। तो अगर मैं बी और सी को साथ मानू तो अपन यहां कहेंगे कि बी और सी एक सिस्टम है ना। हो सकता है मैं ए और बी को सिस्टम मान लू, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछेगा उस पर डिपेंड करेगा। मैं ए बी को भी एक सिस्टम मान सकता हूँ, हो सकता है मैं ए बी सी तीनों को सिस्टम मान लू, मेरी मर्जी है ना। तो मैं ए बी सी तीनों को भी सिस्टम मान सकता हूँ, मेरे मन पे मैं सिस्टम क्या मानता हूँ। जैसे पहले केस में बी और सी सिस्टम है, सिस्टम में है, दूसरे केस में ए और बी सिस्टम में है, तीसरे केस में ए बी और सी सिस्टम में है ना। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो फोर्स क्लासीफाई होते हैं वो दो टाइप के फोर्स है। पहला इंटरनल फोर्सेस और दूसरा एक्सटर्नल फोर्सेस। सिस्टम के अकॉर्डिंग ये फोर्सेस दो टाइप के डिवाइड होते हैं, इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटर्नल। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंटरनल फोर्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते, जिन जिन को मैंने सिस्टम में माना है, सिस्टम के जो जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं, दोज आर नोन एज इंटरनल फोर्सेस है ना। दीज आर फोर्सेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, दीज आर फोर्सेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम exerted on the particles within system. तो internal force क्या होता है, these are the forces of the particles of the system. system के particle के वो forces, लगा भी कौन रहा है, system के particle, लगा भी किस पे रहा है, system के particle के अंदर, जो चीजें system के अंदर मानी गई। और external force क्या होता है, these are forces on the particles of system, system के particle पे forces from outside, बाहर से जो force आ रहा होता है वो कहलाता है external force। तो what is internal force, कि system के particle, जिन चीजों को system में माना है
वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगी दोज आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस, जिसको आपने सिस्टम माना है वो आपस में जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे दैट इज इंटरनल, और जो बाहर से आएगा दैट इज एक्सटर्नल। जैसे कि इस केस में, पहले केस में बेटा मैंने ए बी को एक सिस्टम, सॉरी बी और सी को सिस्टम माना है, तो फोर्स बिटवीन बी एंड सी, बी सी पे जो फोर्स लगाएगा और सी बी पे जो फोर्स लगाएगा दैट इज इंटरनल, दैट इज इंटरनल। क्यों है इंटरनल? क्योंकि मैंने बी और सी को सिस्टम माना है। और फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए जो बी पे फोर्स लगाएगा दैट इज एक्सटर्नल, भाई ए बी पर फोर्स लगाया धक्का दे रहा होगा एक्सटर्नल है। और जो अर्थ फोर्स लगाएगी, मतलब अर्थ दोनों पे एमजी लगाती है नीचे की तरफ, तो अर्थ जो फोर्स लगाएगी, अर्थ, अर्थ का कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो तो सबके लिए, अर्थ क्या इन किसी में सिस्टम में है? नहीं, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इन सबके लिए एक्सटर्नल, तो वो मैं यहां लिख नहीं रहा, सबके लिए वही है। इसलिए यहाँ पे सिस्टम में क्या क्या है, ए और बी, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे बी और सी, बी सी जो बी पे फोर्स लगा रहा होगा वो एक्सटर्नल है, और ए जो बी पे फोर्स लगा रहा होगा वो इंटरनल है। और तीसरा देखिए, यहाँ तीनों सिस्टम में मान लिया, तो यहाँ पे बी और सी के बीच का फोर्स भी इंटरनल है और ए और बी के बीच का फोर्स भी इंटरनल है। देख रहे हो, एक ही फोर्स सिस्टम बदलने पे उसका नेचर बदल गया। अगर मैंने सिस्टम में बी और सी माना तो बी और सी के बीच का फोर्स इंटरनल है और ए सिस्टम के बाहर है, तो ए जो बी पे फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल है। अगर मैंने सिस्टम में ए और बी माना तो बी और सी के बीच का फोर्स एक्सटर्नल है लेकिन ए और बी के बीच का फोर्स इंटरनल है। और अगर मैंने तीनों को सिस्टम में मान लिया भैया, तो इनके बीच के, ए और बी के बीच, बी और सी के बीच, सारे फोर्स कैसे हैं? इंटरनल। लेकिन जमीन जो इस पे फोर्स लगाएगी, देखो जमीन भी ए पे फोर्स लगाएगी ना, जमीन ए से कॉन्टेक्ट में है, तो जमीन जो ए पे फोर्स लगाएगी वो एक्सटर्नल होगा वो, क्योंकि मैंने यही दो फोर्स सब जगह कंपेयर किए हैं। तो एक ही फोर्स इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो आपकी सिस्टम की बाउंड्री के अंदर है या सिस्टम की बाउंड्री के बाहर है। तो डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम वी डिफाइन द फोर्सेस इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो ये हो गया सिस्टम के अकॉर्डिंग फोर्स का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद आते हैं न्यूटन के लॉ, जिसके नाम पे ये चैप्टर है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो तीन लॉ हैं, मैं सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा, है ना। फर्स्ट लॉ तो मैं एज इट इज लिखूंगा, फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ न्यूटन का वही है जो गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया था। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था कि फोर्स तब रिक्वायर होता है जब हम इनर्शिया चेंज करना चाहते हैं, अदरवाइज फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही है ना, कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और अगर एक बॉडी चल रही है तो वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, है ना। तो फर्स्ट लॉ को ऐसे इजी वर्ड्स में लिख सकते हैं कि ये बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स uniform motion, will continue its uniform motion. What do you mean by uniform motion? मैं पहले बता चुका हूँ, uniform motion का मतलब होता है constant velocity. तो a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its uniform motion. Uniform motion मतलब constant velocity until a net external force acting on it. Until a net external force acts on it. जब तक एक बॉडी पे एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है तब तक वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ।
हमें इनमें से किसी भी चीज को चेंज करना है तो फोर्स चाहिए, मतलब रुकी बॉडी को चलाना है, या चलती हुई बॉडी की वेलोसिटी चेंज करनी है। वेलोसिटी चेंज मतलब या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन, तो फोर्स चाहिए, अदरवाइज हमें फोर्स नहीं चाहिए। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों अंटिल अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स कब रिक्वायर होता है ना फिजिक्स में, हमें फोर्स की कब जरूरत पड़ती है, जब हम बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, सॉरी बॉडी के इनर्शिया स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज करना चाहते हैं, है ना। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, है ना। तो फर्स्ट लॉ तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। इसका मतलब मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर एक बॉडी को मैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहा हूं तो मुझे कोई नेट फोर्स नहीं चाहिए। जल्दी से इस बात को लिखिए, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ लिखता हूं। ये फर्स्ट लॉ ने क्या बताया कि फोर्स कब चाहिए, फर्स्ट लॉ ने क्या बताया कि फोर्स कब चाहिए, तो फोर्स कब चाहिए, जब रुकी बॉडी को चलाना है या चलती हुई बॉडी की वेलोसिटी चेंज करनी है तो फोर्स चाहिए, पहला लॉ ने ये बताया। सेकेंड लॉ बताएगा कितना चाहिए, है ना, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ में न्यूटन ने कहा कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी या ऑन अ पार्टिकल, एक ही बात है, अभी अपन पार्टिकल बॉडी पर तुम्हें पहले समझा चुका हूं, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और बाद में न्यूटन ने इसको प्रूफ कर दिया था इक्वल टू, तो कांस्टेंट वन आया था, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ टाइम। ये कहा था उसने कि जो बॉडी का लीनियर मोमेंटम होता है उसका टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप जानते हो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम है ना, इसको सब पी वेक्टर से लिखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मोमेंटम वेक्टर को लिखते हैं इट इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो व्हाट इज मोमेंटम वेक्टर, इट इज मास इनटू वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल, डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और इसकी यूनिट क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है केजी मीटर पर सेकंड, जानते हैं ये सब लोग, नाइन्थ में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो न्यूटन ने क्या कहा कि जो नेट फोर्स होगा, दिस नेट फोर्स दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। अब आप इसको समझदारों की तरह ऐसे लिखेंगे क्योंकि आप डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, तो डीपी अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आप पी को लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, और फिर आप जानते हो कि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए, तो लिखते हैं ये एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। तो जो नेट फोर्स आएगा वो ये आएगा, एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी, जहां डी वी अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट, डी एम अपॉन डी टी क्या है, मास के चेंज होने की रेट। अभी बहुत दिनों तक जो हम पढ़ने वाले हैं मास कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब मास चेंज नहीं होगा, आखिरी में सेंटर ऑफ मास के लास्ट में जाके अपन मास को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि इफ मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अगर मास कॉन्स्टेंट है तो आप कहोगे कि डीएम बाई डी टी जीरो, मास कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो ये जो नेट फोर्स बन गया, ये बन गया बेटा एम डी वी अपॉन डी टी, एंड यू नो डी वी अपॉन डी टी इज एक्सीलरेशन, सो नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ऐसा लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स होता है उसको m into a, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी।
दिस इज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। ये इक्वेशन तभी सही है जब बॉडी का मास कॉन्स्टेंट हो। बॉडी का मास कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप जो भी बॉडी के सिस्टम सीखोगे वो कॉन्स्टेंट मास वाले होंगे, है ना। तो अपन कहते हैं अगर मास कॉन्स्टेंट है तो अपन लिख सकते हैं किसी पार्टिकल के लिए कि मास इक्वल टू सॉरी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो आप नाइन्थ में सीखते थे, बट एक्चुअली वो ऐसे आता है, ठीक है। सो दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ कि जो फोर्स होता है वो जो एक्सेलरेशन होता है, यहाँ से फिर चीज पता चलती है ना, एक बड़ी काम की चीज है कि फोर्स भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर। देखो कॉज यहाँ से पता चल रहा है कि अभी तक तुम काइनेमेटिक में जो एक्सेलरेशन पढ़ते थे वो किसकी वजह से है, दैट इज ड्यू टू फोर्स। मतलब अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं है। और एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फोर्स है, और कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, इसको जल्दी से लिख लीजिए।